मोदी राज में सरकारी बैंकों के लूटने का सिलसिला लगातार जारी है। एक मामले की गुत्थी सुलझती नहीं कि धोखाधड़ी का दूसरा मामला सामने आ जाता है, जिनसे निपटने के लिए मोदी सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन इसका जमीन पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। सरकारी बैंकों के साथ धोखाधड़ी को लेकर अब RTI से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे लेकर सरकार का घिरना तय है। शराब कारोबारी विजय माल्या जब देश के बैंकों को चूना लगाकर भागा तो मोदी सरकार ने कहा कि माल्या को देश वापस लाकर रहेंगे। इसके बाद जब PNB घोटाला सामने आया और मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भी हजारों करोड़ लेकर फरार हुए, तब भी सरकार ने यही राग अलापा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनसे पाई पाई वसूली जाएगी। लेकिन ना तो माल्या वापस आया और ना ही नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, बल्कि देश में धोखाधड़ी मामलों में और तेजी आ गई। जी हाँ, ये सच है कि मोदी की हुकूमत में सरकारी बैंकों के लूटने का सिलसिला जारी है। RTI से बड़ा खुलासा हुआ है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सरकारी बैंकों के साथ फर्जीवाड़े के 2480 मामले सामने आए हैं। इसमें बैंकों का 31,898.63 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल RTI कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने RBI से इस संबंध में जानकारी मांगी थी, जिस पर जवाब देते हुए RBI ने बताया कि इस धोखाधड़ी में SBI को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। SBI के साथ धोखाधड़ी के 1,197 मामले सामने आए हैं। इसमें बैंक को 12,012.77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इलाहाबाद बैंक में फर्जीवाड़े के 381 मामले सामने आए हैं, जिससे बैंक को 2,855.66 करोड़ की चपत लगी है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक को 2,526.55 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी धोखाधड़ी के 75 मामले सामने आए हैं, जिसमें बैंक को 2,297.05 करोड़ रुपए की चपत लगी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ धोखाधड़ी के 45 मामलों में 2,133 करोड़ का नुकसान हुआ है। इनके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक समेत करीब सभी सरकारी बैंक पहली तिमाही में धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। यानी साफ है कि मोदी राज में सरकारी बैंकों से लूट के मामले घटने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे NPA बढ़ रहा है और जिसका खामियाजा सीधा जनता को भुगतना पड़ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।